रोडीज का एकदम ब्रांड न्यू सीजन आ चुका है, जिसकी सबसे बड़ी अपडेट है द ओजी गैंग लीडर एंड एंकर रणविजय सिंह का कमबैक। पिछले 4-5 सालों से जो वेट चल रहा था इनका शो में वापस आने का, फाइनली वो एंड हो चुका है। पिछले 3-4 सीजन्स के ऑडियंसेस के काफी ज्यादा मिक्स्ड रिव्यूज रहे हैं शो को लेकर, कि शो में अब वो जान नहीं रही, ये लोग बार बार कुछ ना कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन रणविजय सिंह का वापस से रोडीज में आने के बाद आई एम श्योर जो पुरानी ऑडियंस है वो वापस से शो से कनेक्ट करेगी। रोडीज के 20th सीजन का टाइटल रखा गया है डबल क्रॉस, और अक्टूबर मंथ में इन 4 सिटीज में आपको रोडीज के ऑडिशंस देखने को मिलेंगे। अक्टूबर 13 दिल्ली, अक्टूबर 15 चंडीगढ़, अक्टूबर 18 हैदराबाद एंड अक्टूबर 20 पुणे। सो इफ यू एस्पायर टू बिकम अ रोडी और अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, दिस इज योर वेरी चांस। नाउ फ्रीक्वेंटली सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि भैया चलो रणविजय सिंह तो शो में वापस आ गए, लेकिन क्या वही पुराने ओजी गैंग लीडर्स भी हम लोगों को वापस से देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि नेहा धूपिया, प्रिंस रफ्तार, निखिल? बट अनफॉर्चुनेटली यार इसका आंसर नहीं है। हालांकि अभी ऑफिशियली शो के मेकर्स ने सारे गैंग लीडर्स का नाम अनाउंस नहीं किया है, पर उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर हिंट्स डालनी शुरू कर दी है, जिससे ये चीज तो पहले ही क्लियर हो चुकी है कि इस बार के रोडीज में 2 मेल गैंग लीडर्स होंगे और 2 फीमेल गैंग लीडर्स होंगी। प्रिंस नरूला होंगे पहले गैंग लीडर, दूसरी गैंग लीडर होंगी रिया चक्रवर्ती, जिनके सबसे ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं। अभी जितनी भी ऑडियंस रोडीज और स्प्लिट्सविला इन सारे शोज में इंटरेस्टेड है, वो लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि दिग्विजय सिंह राठी या श्वेत में से किसी एक बंदे को इस बार का गैंग लीडर बनना चाहिए। और कुछ लोगों ने मान भी लिया है कि दिग्विजय जो है इस बार के शो में एक गैंग लीडर बनकर आएगा। पर लेट मी टेल यू, ये एकदम फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है, क्योंकि इन लोगों का करियर अभी तक इतना बड़ा नहीं हुआ है। इन लोगों ने कुछ बहुत नहीं उखाड़ लिया अपनी जिंदगी में कि इनको रोडी का एक गैंग लीडर बना दिया जाए। थर्ड गैंग लीडर जो होंगे वो हो सकते हैं गौतम गुलाटी, उनके ही सबसे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं फिर से वापस शो में आने के, क्योंकि जो भी गौतम की लड़ाइयां हुई प्रिंस नरूला के साथ, कहीं ना कहीं शो के अंदर काफी ज्यादा मसाला आ गया था यार। इन लोगों की जो राइवलरी हमको देखने को मिली थी, जो फाइट देखने को मिली थी, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी और हम लोग हुक्ड हो गए थे टीवी से अपनी देखने के लिए। तो आई एम श्योर ये लोग तो हो नहीं चाहिए। नाउ टॉकिंग अबाउट द 4 फीमेल गैंग लीडर, तो इनका ही अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, पर लोगों का कहना है कि रोडी से रिलेटेड ही किसी फीमेल को यहाँ पर एज अ 4th जज बुलाया जाएगा, एंड इट कुड बी श्वेता, जो कि नेहा धूपिया की गैंग में थी। क्योंकि बाहर से फिर से अगर किसी सेलिब्रिटी को बुला लेंगे तो शायद शो उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग ना बने। नाउ इन द एंड सम पीपल माइट बी आस्किंग कि रोडीज हम लोगों को टीवी में कब देखने को मिल जाएगा। सो बेसिकली अक्टूबर में ऑडिशंस चलेंगे, सारे PI राउंड्स, कलिंग राउंड, सब कुछ वो करने के बाद रोडीज का फाइनल बैच बनेगा और फिर उनकी जर्नी शुरू होगी जो लगभग 3 महीने तक चलेगी। तो यू कैन से दैट कि जनवरी के एंड या फरवरी के फर्स्ट वीक से हम लोगों को रोडीज जो है वापस टीवी में देखने को मिल जाएगा। आप लोगों का इस बारे में क्या ओपिनियन है, प्लीज नीचे कमेंट डाउन बिलो। एंड विद दिस सेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।